हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। सो कैसे हो आप सब, कमेंट बॉक्स में बताना। बिल टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल गया कि आज हम आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाले हैं। हमने काफी सारी खरीदारी की हुई है, ये तो आपको हमारे ब्लॉग चैनल के थ्रू पता चल गया है। सो सामान है काफी सारा, अकेले तो हम दिखा नहीं सकते। आज है संडे, इसलिए आज हमारे पतिदेव बेचारे भी फंसे हुए हैं। हमने बोल दिया कि हेल्प करा दीजिए, और देखो दिख रहे हैं ना शीशे में, तो आज हमारी हेल्प कराने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आई नो काफी सारे लोगों को ये जो मेरा मेकअप है काफी अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि इसको मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। बेस मेकअप मैंने नहीं दिखाया हुआ है, बेस मेकअप देखना है तो आप ब्लॉग पे चले जाओ। नहीं, ब्लॉग पे भी नहीं दिखाया, बेस मेकअप में मैं आपको बता दे रही हूँ। टोनर है, सीरम है, मॉइस्चराइजर है और मैक का स्ट्रोक क्रीम है। इसके बाद आगे चलो देख लो कि मैंने क्या कुछ लगाया हुआ है। इन सब का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। सो सबसे पहले चलो आप मेकअप लुक को देख लो, इसके बाद हम आपको वन बाय वन करके सारे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेक वर्की का न्यू लॉन्च आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। मेरा शेड इसमें ब्राउन है, काफी लॉन्ग स्टे करती है, ना तो एक क्रीमी है ना तो ज्यादा पाउडरी, इसलिए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूँ द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल ब्लैक कलर NYB का, और ये भी काफी अच्छा है, लॉन्ग स्टे करता है। इवन अगर आप फेस अपना धुल भी रहे हो तो एक सबसे पहले आपको मेकअप रिमूवर की हेल्प से इस काजल को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिमूव नहीं होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेक वर्की का लिप पैलेट यूज करी, इसमें आपको टोटल 4 शेड मिल जाते हैं, न्यूड, रेड, ब्राउनिश न्यूड, काफ़ी प्यारे शेड मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं रेड शेड से आउटलाइन कर ले रही हूँ। इसके बाद एक लाइट न्यूड शेड, मूवी शेड है वो, उससे मैं लिप को फिल कर लूँगी। इससे काफ़ी नेचुरल लुक आता है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ, आप चाहें तो स्मॉल ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इन सब का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। अभी पर्पल पे अच्छी खासी सेल चल रही है, आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यूज कर लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब चलो बढ़ते हैं हमारे हॉल की तरफ। मेकअप तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब चलो हम दिखाते हैं कि घर को सजाने के लिए हमने क्या कुछ लिया हुआ है। सो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, काफी सारी चीजें हैं, एक कैंची लेनी पड़ेगी हमें। हाँ, एक कैंची भी वही की है। गलत पड़ गया मैंने, आप और जो है वो खोल दो, और जो मैं खोल दे रहा हूँ। ए, हमने इसे लिया हुआ है, लग रहा है ना एकदम नेचुरल, तो इसको मैंने मेरे इस बेड पे रखने के लिए लिया हुआ है, बेडरूम के लिए। कोई आ जाएगा तो इसी रूम में रहेगा, तो हमारा ये रूम थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप देख ही सकते हो। दो दिन से बेचारे ऐसे पैक थे, थोड़े से मुरझा नहीं, मतलब ऐसे झुक से गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुरझा गए हैं, और ये काफी नेचुरल लग रहा है। और इसकी प्राइस है 695। मैंने जितनी भी खरीदारी की हुई है वो सारी बंसल से की हुई है, तो उस दिन टोटल हमने 38,000 का, हाँ 35,000 का था, तो उस दिन हमने 35,000 की खरीदारी की हुई। इसके बाद हमने एक बम्बो प्लांट लिया हुआ है, इसको हमने ऑनलाइन भी मंगाया हुआ था, बट ऑनलाइन हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ गया था, यहाँ पर हमें 249 रुपीज में मिल गया, तो हमने कहा कि चलो इसे हम हमारे इस रूम के लिए ले लेते हैं। तो ये है, इसे क्या ओपन करना, इसे तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, चलो ओपन हो ही गया है। और हाँ, इसके साथ में वो पॉट भी आपको मिल जाती है कांच वाली, तो अभी ओपन करके हम आपको दिखा देंगे। तो ये है सेकेंड, अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो ये रहा, इसको किसने पसंद किया था, हमने तो नहीं किया था, शायद बाबू ने किया था, ये बाबू लेके रख लिया था, क्योंकि हमने तो इसका बड़ा वाला लिया था, ये देखो बड़ा वाला है, चलो कोई बात नहीं आ गया। तो ये है, और ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है ना, अब बच्चे भी खरीदारी करने लगे हैं। तो ये है थर्ड, इसके बाद वो ये है साइड लैंप जो आती है रखने के लिए, एक तो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है, अमेजॉन होम डेकोर हॉल करके है, एक मैंने इसे लिया हुआ है उस साइड रखने के लिए। फिलहाल तो साइड पूरी बुक है, क्योंकि इतना ज्यादा सामान है कि पूछो मत, अभी पूरा मेरा बेड भी बिखरा पड़ा हुआ है, देखिए ये देखो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सारे सामान ऐसे ही निकाल के रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये लैम्प,
ऐसे इसमें लाइट लगानी है। सेट करके भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसी लग रही है बताइएगा। और ये अफोर्डेबल है, आई थिंक 695 की है, अफोर्डेबल है। नेक्स्ट हमारा होम डेकोर ये है। अच्छा प्राइस इसमें लगा हुआ है मैं आपको बता ही दे रही हूँ। ओ माई गॉड, ये तो है 1400 रुपए का, मैं 695 बोल रही हूँ। वाओ। इसके बाद मैंने लिया हुआ है टेबल कवर है डाइनिंग एरिया के लिए। पूरा तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ लगा के जब मैं बिछा दूंगी इसको तब मैं आप लोगों के साथ जरूर दिखाऊंगी। इसी वीडियो में दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं इसे ओपन नहीं करने वाली हूँ, वैसे ही काफी ज्यादा सामान इधर उधर बिखर गया है। तो ये है। इसके बाद मैंने कुछ कुशन कवर लिए हुए हैं इसी रूम के लिए, फिरोजी कलर में। एक कुशन कवर हमें 255 रुपीज का, नहीं 225 का है, मुझे 255 दिखा। एक कुशन कवर 225 का है, मैंने टोटल 6 का लिया हुआ है। इसके बाद इसी रूम के लिए मैंने कर्टन्स लिए हुए हैं, देखिए अभी ये लगा हुआ है। ये थोड़ा सा डार्क लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए मुझे, तो ये है। टोटल 4 कर्टन्स हमने लिए हुए हैं, कर्टन टोटल 4 कर्टन है ना, हाँ टोटल 4 कर्टन है। देखिए कलर काफी खूबसूरत है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना जरूर। इसके बाद डाइनिंग एरिया पे जो मैंने कवर नहीं लिया हुआ है उसी के लिए मैंने इसे लिया हुआ है, 6 का सेट है। और ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको ओपन करके एक दिखाती हूँ। तो जल्दी आप लोगों को ये हॉल देखने को मिलने वाला है। अच्छा हाँ, एक कर्टेंस, कुशन कवर और एक कवर, ये सब ना मैंने बंसल से नहीं लिया हुआ है, एक नई शॉप है, एक नई दुकान है, एक नया शोरूम है, मैंने वहां से लिया हुआ है। क्या नाम है दी? होम ट्रेंड्स करके, वहां से मैंने लिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है। तो 6 का सेट है। इसके बाद मैंने जैसा कि बताया, मैंने मेरे हॉल का जो कर्टन है उसे भी चेंज करा लिया है कुछ इस तरीके से। मैंने नेट का है ना, नेट का कर्टन कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने मेरे सोफे के लिए लिया हुआ है कुशन। कुशन कवर है ये, 6 का पूरा सेट ही है ये। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से है, ये है साइड टेबल पे डालने के लिए, काफी वजन है। और ये भी फिरोजी कलर का ही है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा ना, मोतियों से, इसमें मोती बोलते हैं क्या बोलते हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है। देखिए उससे वर्क हुआ है, हाँ ये एक ही था, और जो साइजेस थी वो छोटी छोटी साइजेस थी, तो मैंने कहा छोटे लेने का कोई फायदा ही नहीं है। इसके बाद इसी रूम के लिए मैंने लिया हुआ है, ये है डोरमैट फिरोजी कलर में ही है। देखिए मतलब इस रूम के लिए मैंने वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर लिया है, फ्राइडे को लग जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेरा ये जो रूम है पूरा मैं चेंज करने वाली हूँ। और थीम तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि कौन सी थीम, कलर थीम कौन सी है। इसके बाद ये है सोफा कवर, इसको मैंने लिया हुआ है। एक्चुअली मैंने बस बहाना है यहाँ के लिए, सिर्फ बहाना है, इसको मैंने मेरे ससुराल के लिए लिया हुआ है, मेरे ससुराल वाले घर के लिए, वहां के सोफे के लिए, क्योंकि दीपावली बाद हमारा घर रेडी हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की कमी मेरे ससुराल वाले घर में रह जाए। मैं यहाँ के लिए भी खरीदारी कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो होम डेकोरेटिव जो पीस देख रहे हो ये मैं मेरे लिए भी ले रही हूँ, साथ ही साथ मैं वहां के लिए भी ले रही हूँ, ताकि मैं मेरा वहां का भी घर अच्छे से सजा पाऊं। यार पता नहीं कितने जमाने से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर को अच्छे से डेकोर कर पाऊं, तो बस मैं सारी चीजें वहां के लिए भी आपको यहाँ सिर्फ लगा के दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। बाकी ये हमने स्पेशली हमारे वहीं के घर के लिए लिया हुआ है, डार्क कलर है तो उतना जल्दी गंदा भी नहीं होगा। मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती, ये 5 सीटर का है ना, 5 सीटर का है, ओपन करके दिखाऊंगी तो पूरा बिखर जाएगा। और चलो एक मैं ओपन कर देती हूँ जो
हाँ चेयर वाले का मैं आपको ओपन कर दे रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा कलर है, मेरा फेवरेट कलर है। हाँ तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना जरूर। कलर भी है आपको, कवर देते हैं आपको, बटर बहुत फेवरेट है। हाँ तो ये है। इसके बाद अभी अगर अभी आप ना एसी चला लेते हो तो ठंडी लगने लगती है काफी ज्यादा, मौसम ऐसा है, मुझे तो ठंडी हमेशा लगती है, बारहों महीने मुझे एसी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इन बाप बेटों को एसी काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, ओटिंग इनके साइड में ज्यादा होती है तो फिर मुझे ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने मेरे लिए लिया हुआ है एक ब्लैंकेट जो कि काफी खूबसूरत है, कलर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत कलर है। सो इसे मैं ओपन करूं या ना करूं, लेकिन ओपन नहीं करूंगी, फिर आप लोग बोलोगे कि ऐसे बाहर से क्या दिखा रहे हो, बाहर से क्या दिखा रहे हो, इसलिए मैं ओपन कर दे रही हूं। ये सारी चीजें ना मैं वहां से नहीं ली हूं, ये सारी चीजें वंसल से नहीं है, वंसल से जो भी है मैं आपको बता दूंगी। माय गॉड, ये है होम ट्रेंड से, हाथ फिसल रहा है इस पे हमारा, तो जो हमारा वाल पेपर है ना इस कलर में है, इस कलर में, इस रूम का इस कलर में भी नहीं है, तीन चार दिन आप लोग वेट कर लो आपको समझ में आ जाएगा, उसी के हिसाब से मैंने इसे भी लिया हुआ है। ये यहाँ के लिए है क्योंकि गांव में काफी ज्यादा ठंडी लगती है, तो गांव में ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं चल सकते, वहां पर रजाई चलती है, सो ये काफी खूबसूरत लगा मुझे इसलिए मैंने लिया। विंटर आ गई है तो विंटर की तैयारियां भी तो करनी है ना भैया, स्वैग से करोगे सबका स्वागत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने जो मैट्रेस आप देख रहे हो इसमें जो मैट्रेस डली हुई है, मैंने वो मैट्रेस ली हुई है, इसलिए मैंने दो पिलो भी लिया हुआ है मैंने, और यह है स्लीप वेल का, उसी को मैट्रेस, हाँ उसी मैट्रेस के साथ में मिला था, उसी मैट्रेस के साथ में मुझे दो पिलो फ्री में मिली थी। वैसे पता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग इसे देंगे, हमने और दीप ने बोला कि आप पिलो भी दे दीजिए क्योंकि हम लोगों को पिलो भी चाहिए, अगर हम मैट्रेस ले रहे हैं तो उसके साथ में पिलो भी चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे आप टेंशन मत लो, अगर मैट्रेस दे रहे हैं तो पिलो भी हम आपको देंगे, फ्री में देंगे, तो हम लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिल गई हम पति पत्नी को। सो दो मैट्रेस हम सॉरी मैट्रेस के साथ दो पिलो भी हम लोगों को फ्री में मिल गई थी। वीडियो आज का काफी लेंथी हो जाने वाला है, सो चाय कॉफी लेके बैठिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। अच्छा तो ये थे कुछ आइटम्स जो हमने बाहर से लिए हुए थे, बढ़ते हैं फिर से बंसल से हमने क्या कुछ लिया हुआ है। तो सबसे पहले जाते ही हमें ये वॉच पसंद आई थी, हमारे इस रूम में वॉच नहीं थी तो हमने कुछ इस तरीके से वॉच ली हुई है, कैसी लग रही है बताना जरूर आप लोग। सो नेक्स्ट ये है होम डेकोरेटिव में आई थिंक दो ही तीन और प्रोडक्ट बचे हुए हैं। इसके बाद हमने कैंडल ली हुई है, वैसे तो मैंने ऑनलाइन काफी सारी कैंडल्स ऑर्डर की हुई है, जल्दी वीडियो आने वाला है, काफी सारी कैंडल्स, किस्म किस्म की कैंडल्स मैंने ऑर्डर की हुई है, और फिर जब दीपावली नजदीक रहेगी तो हमें हमारे जो घर के पास में लगाते हैं उनसे भी काफी सारी कैंडल्स लेनी है, तो वो तो होगा ही होगा। सो ये है कैंडल, इसमें काफी अच्छी, जब आप इसे जलाते हो ना तो इससे काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। मैं यहाँ पर किसी की प्राइस नहीं बता रही हूँ, ये सब बंसल से है, टोटल प्राइस ही मैंने बता दिया, तो वन बाय वन करके प्राइस क्या बताऊं, टोटल मैंने कितनी की खरीदारी की हुई थी मैंने आप सभी को बता दिया। आज आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर, काफी ज्यादा हंसने वाले हो कि दी के पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी ये मतलब सच में यार मेरी आदतें बदली नहीं है, पहले भी मैं जाती थी तो पता नहीं क्यों मुझे ना मेकअप काउंटर चेक करना ही होता था, अभी भी की आदत है। तो कुछ चीजें मैंने मेरे लिए ली हुई है और कुछ चीजें मेरे बेटे ने मेरे लिए पसंद की हुई है, जैसे मेहंदी का कोन, मम्मा आपको मेहंदी लगाना है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो, तो तीन कोन इकट्ठे उसने रख लिया मेरे लिए। अच्छा मुझे ना आई लैसेस काफी ज्यादा लगते हैं, अब करवा चौथ आने वाला है, दीपावली मतलब दीपावली भी आने वाली है, सो इतने सारे फेस्टिव सीजन एक साथ आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन वाओ मतलब इतने सारे त्योहार एक साथ आने वाले हैं, तो मेकअप लुक तो निकालना बनता ही है, काफी सारे मेकअप लुक निकालने हैं हमें, सो उसके लिए मैंने फॉल्सीज ली हुई हैं और अफोर्डेबल रेंज की फॉल्सीज हैं, आई थिंक 35 की है, 35 में एक, तो मैंने कहा मुझे लेना चाहिए, स्टार्टिंग में मैं इसी फॉल्सीज को यूज करती थी, वैसे तो नाम है इसका हुडा ब्यूटी बट ये फेक है, रियल वाली नहीं है, रियल वाली मेरे पास है, तो इसमें मैंने दोनों सेट वही है 0223 तो इसमें मैंने दो लिया हुआ है। अच्छा तो मैंने मेरे भगवान जी को सजाने के लिए लिया हुआ है कुछ माला है, उनको जो पहनाया जाता है ना, तो है
चार है। मैंने सोचा काफी दिन हो गया है, मेरे जो भगवान जी हैं उनका हमने हार चेंज नहीं किया हुआ है, तो उनका हार चेंज कर दें, तो इसलिए मैंने चार हार लिया हुआ है, चार हार। इसके बाद मैंने ली हुई है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी दी आप इस क्रीम को यूज करके मेकअप लुक निकालो। मेरे पास जो थी वो काफी टाइम पहले की थी, आई थिंक जब मैंने मेकअप चैनल स्टार्ट किया था तब की थी, और उसे मैंने तब से ओपन किया हुआ था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं यू नो रिएक्ट ना करे, एक्सपायर तो नहीं हुई है बट डर लग रहा था, इसलिए मैंने नया ले लिया। इसके बाद मैंने बोरोलिन लिया हुआ है, विंटर आ रही है तो बोरोलिन के काफी सारे यूजेस होते हैं, इसलिए मेकअप को रिमूव करने के लिए मैंने गार्नियर मिश्रा वाटर लिया हुआ है। इसके बाद लैक्मे में मैंने देखा कि इनकी सीट मास्क लॉन्च हुई है, तो मैंने कहा मुझे ले लेना चाहिए। इनमें दो सीट मास्क थी, एक था ये है कीवी और ये है पोमोग्रेनेट, तो मैंने दोनों लिया हुआ है, उनके पास दो ही था। इसके बाद मैंने गार्नियर की भी सीट मास्क ली हुई है, गार्नियर में भी दो थे, तो इन सभी का रिव्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तीन थे, अच्छा गार्नियर में तीन था, सीरम मास्क, इसके बाद ब्लैक सीरम मास्क, इसके बाद है सीरम मास्क, तो ये तीनों का रिव्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा, वन बाय वन करके आएंगे, एक एक करके नहीं आएंगे। इसके बाद एक फॉल्सीज मैंने और ली हुई है, ये है काफी लाइट वेट फॉल्सीज है। इसके बाद सेल है, ये है बीको टर्मरिक स्किन क्रीम विथ सैंडलवुड ऑयल, इसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, सो फाइनली मैंने इसे भी बाई कर लिया है। इसके बाद दो ये है रोल ऑन है, शायद पढ़ लूं फिर बताऊं क्या है, दीप ने लिया है, एक मेन एक वुमेन, तो ये दो है निविया का। हाँ, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि ये क्या है, ये है प्लांट स्टैंड, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, आप चाहे तो इसे फोल्ड कर दें, आप चाहे तो इसे ओपन करके ऐसे इसके बीच में इसको रख लें, अब इसमें आपको प्लांट रखना होता है, अभी तो मैं पकड़ी हूँ इसलिए थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो रहा है, ऐसे करके इसके बाद इसमें आप अपने प्लांट्स रख दो, तो ये है। और इसके बाद होम डेकोरेटर, आई थिंक इतने ही होम डेकोर के थे, देखिए इसके साथ आपको मिला था, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, वीडियो तो काफी ज्यादा लंबा हो गया, सो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक पार्ट में तो आई नो बहुत बड़ा हो जाने वाला है, डेढ़ घंटे से ज्यादा लग जाने वाला है। होम डेकोर के तो कम थे, किचन के काफी ज्यादा सामान है, मेरे किचन के काफी ज्यादा सामान है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया मैं देख रही हूँ, अगर मैं इसमें किचन आइटम्स भी इंक्लूड कर दूंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, नहीं कुछ तो डेढ़ घंटे का हो जाना है, इसके बाद आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप देखोगे नहीं, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का एंड करूं, इसके बाद इसका मैं सेकेंड पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, सेकेंड पार्ट देखिएगा जरूर, क्योंकि मैंने मेरे किचन के लिए काफी सारी चीजें मंगाई हुई है, सो आप देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो इस वीडियो का मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई वीडियो रिक्वेस्ट या वो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज।